नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कन्नाड़ा मूवी केजीएफ के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे रजनीकांत सर के फिल्म पेटा और थला अजित कुमार के फिल्म विश्वासम के 30 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कि इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की और इसमें से सबसे बड़ी हिट फिल्म कौन सी साबित हुई। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पेटा मूवी के बारे में, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कार्तिक सुभाराज ने, और इस फिल्म में नज़र आए थे रजनीकांत सर और उनके साथ थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विजय सेतुपति। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरे हो चुके हैं 30 दिन। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म पोंगल के मौके पर रिलीज हुई थी इंडिया में 3 लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु और हिंदी, और दोस्तों तीनों लैंग्वेज में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कारोबार किया। लेकिन बात करें हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन में यह फिल्म बुरी तरह डिजास्टर साबित हुई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल से 5 करोड़ का भी कारोबार नहीं कर पाई हिंदी वर्जन में। वहीं अगर बात करें तमिल और तेलुगु वर्जन की, तो इन दो वर्जन में फिल्म ने बढ़िया कारोबार किया है, वो फिर चाहे इंडियन बॉक्स ऑफिस हो या ओवरसीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो, दोनों ही जगह फिल्म के कलेक्शन काफी बढ़िया रहे। जी हाँ दोस्तों, बता दें तमिल और तेलुगु के कलेक्शन मिला के पेट्टा मूवी ने इंडिया में अभी तक लगभग 223 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर लिया और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के ओवरसीज मार्केट की, तो फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 84 करोड़ कमाए हैं। वही दोस्तों बात करें फिल्म विश्वासम के बारे में, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शिवा ने, जो कि थालापति अजित कुमार के काफ़ी पुराने दोस्त हैं और इससे पहले उनके साथ में वेदलम, वीरम और विवेगम जैसे शानदार फिल्में बना चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म में थला अजित कुमार सर के साथ में नजर आई थी लेडी सुपर स्टार नयनतारा, और इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर 30 दिन पूरे हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म और पेटा एक ही दिन पोंगल के मौके पर साथ में रिलीज हुई थी और दोनों फिल्मों में क्लेश हुआ था, लेकिन क्लेश होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं देखे जाए तो दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल की कमाई की है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, जहां पेटा तमिल, तेलुगु और हिंदी 3 लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, वही विश्वासम सिर्फ सिंगल लैंग्वेज यानी तमिल में रिलीज हुई थी, और विश्वासम ने सिर्फ एक ही लैंग्वेज में भी काफी अच्छा कारोबार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म ने इंडिया हो या ओवरसीज दोनों मार्केट में कहीं ना कहीं पेटा मूवी को बराबर की टक्कर दी और दोनों फिल्मों का कलेक्शन काफी बढ़िया भी रहा है। अगर बात करें दोस्तों विश्वासम के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने इंडिया में लगभग 194 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। वही बात करें ओवरसीज की, तो फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 81 करोड़ रुपए कमाए हैं। आपको बता दें दोस्तों ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही, वही सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म पेट्टा भी ब्लॉकबस्टर रही। तो इस बात से एक बात साबित हो जाती कि अगर फिल्मों में दम हो तो भले दो फिल्में एक साथ क्लेश क्यों न करें, दोनों फिल्में हिट हो सकती है। वही दोस्तों अब बात करें 2018 की सबसे बड़ी रिलीज फिल्म केजीएफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी फिल्म इसलिए क्योंकि ये कन्नाड़ा इंडस्ट्री की, ये समझ लिए, डायमंड मूवी साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ को बॉक्स ऑफिस पर पूरे हो चुके हैं लगभग 50 दिन से ऊपर, यानी फिल्म को 52 या 53 दिन हो चुके हैं, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल की कमाई की है, वो भले चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये फिल्म 5 लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। पहली थी कन्नाड़ा, जो कि इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज थी, वही ये फिल्म हिंदी डब में भी रिलीज हुई थी, साथ ही साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, यानी फिल्म को 5 लैंग्वेज में पूरे हिंदुस्तान में रिलीज किया गया था। और दोस्तों फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान में काफी कमाल का कारोबार किया, फिल्म सुपर डुपर हिट या यूं कहे ब्लॉकबस्टर हिट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, काफी कम ऐसी फिल्में देखने को मिलती जो बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे कर पाए, नहीं तो आज के टाइम में बॉलीवुड की कुछ फिल्में रिलीज होती है जो मुश्किल से 10 या 12 दिन भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाए। तो अगर अभी बात करें सिर्फ केजीएफ के बारे में, तो केजीएफ अपने कन्नाड़ा फिल्म इंडस्ट्री का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल की कमाई की है। अगर बात करें दोस्तों हम केजीएफ के बजट के बारे में, तो जैसे कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि केजीएफ का बजट है लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए, वही इस फिल्म को इंडिया में काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों अब बात कर ले इस फिल्म के एरिया वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के रीजनल लैंग्वेज से, कन्नाड़ा से, तो इस फिल्म ने कर्नाटका में लगभग 136 करोड़ 50 लाख रुपये का कारोबार किया है 50 दिनों में। वही बात करें तेलुगु वर्जन की, तो फिल्म ने तेलुगु में कमाए लगभग 26 करोड़ 80 लाख रुपये। वही दोस्तों बात करें तमिलनाडु की, तो फिल्म ने तमिलनाडु
तमिलनाडु में लगभग 8,50,00,000 रुपए का कारोबार किया। वही दोस्तों बात करें केरला की तो फिल्म ने केरला में कमाया लगभग 5,45,00,000 रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें हम हिंदी वर्जन की तो फिल्म ने हिंदी वर्जन में लगभग 59,00,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया है। वही ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का लगभग 78,00,00,000 यानी 78,00,00,000 तक रहा है। वही दोस्तों इस फिल्म का अगर कंबाइंड ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जोड़े तो फिल्म ने सिर्फ इंडिया में लगभग 243,00,00,000 का कारोबार कर लिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है कि फिल्म डबल ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और अभी एक उम्मीद जाग उठी है कि जब KGF चैप्टर 1 जिसका ना तो ज़्यादा प्रमोशन हुआ था ना तो कोई इतना यश को पहले जानता था, लेकिन अब जब KGF चैप्टर 1 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है तो अब KGF चैप्टर 2 तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर KGF चैप्टर 2 सिर्फ हिंदी वर्जन में कम से कम 300 करोड़ कमाएगी और वर्ल्ड वाइड ये फिल्म कम से कम 500 से 700 करोड़ कमा सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है KGF चैप्टर 2 वर्ल्ड वाइड कितने करोड़ का कारोबार कर सकती है, 400 करोड़, 500 करोड़ या 700 करोड़? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।